सीधे लिए चलते हैं सीएमआर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। इसी प्रकार की शिकायतें आई हैं सर, तो सर जब हमारे पास नंबर बढ़ते हैं यदि पेशेंट्स के, तो हमारी क्या तैयारी है? देखिए, शिकायत आती है तो उसका निराकरण करते हैं। 181 में कोई शिकायत कर सकता है, करनी भी चाहिए। तो ये तो इतने बड़े काम के अंदर हो सकता है, जो आप कह रहे हो उसमें कोई शिकायत भी आई होगी, मैं इनकार नहीं कर सकता। आती है तो उसका निपटारा भी करते हैं, इसमें सरकार की मंशा साफ है। और बाकी तो टीमें जो आई है उसको मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी टीम को हम लोगों ने पूरा ब्रीफिंग किया है और वो संतुष्ट भी हैं। वो संतुष्ट होके जाएंगे क्योंकि इतना शानदार मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर है कि कोई भी आके देखेगा तो लगेगा कि हाँ, ये राजस्थान का जो मॉडल है पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या हम थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं? थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं क्या सर? हमारा स्टेटस क्या है सर अभी? ये जो आपने कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाली बात कही है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लक्षण नहीं है। अभी आप अगर विश्लेषण करेंगे पूरा इसका, और हमारा आईटी विभाग कर भी रहा है, तो आप पाएंगे कि एक जो क्लोज ग्रुप है, परिवार का है, पड़ोसी का है, उनके आसपास के इलाकों में ये फैला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रही हो, पर फिर भी मेरा मानना है कि ये जो साइलेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं बिना सिम्टम के आ रहे हैं, इसको हमें वाच करना चाहिए। वाच हम कर रहे हैं, क्या ट्रेन बनती है इसको हम विस्तृत और करवाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च भी करवाएंगे आपस में किस प्रकार से ये क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ये पूरे देश में भी और दुनिया में भी ये सिम्टोमेटिक आने लग गए हैं कोरोना के पेशेंट। तो कब जाके वो कोरोना उनमें प्रकट होगा या नहीं होगा या समाप्त हो जाएगा, ये मैं समझता हूँ रिसर्च का विषय है। इसकी जानकारी प्राप्त करते जाएंगे हम लोग और मॉनिटर करते जाएंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आम जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए जो ये व्यवस्था की गई, इसकी सार्थक परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना शाम को पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू होते हैं। इस दौरान प्रदेश के पत्रकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे सवाल पूछते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की।